हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 3PB हैप्पी। और मैं हूँ प्रिया। आज मैं आपके साथ ना डे वन को कैसे एक्सप्लोर करना है उदयपुर में, वो सारी चीज़ें लेकर आई हुई हूँ। यहाँ हम लोग एंटर कर रहे हैं सिटी पैलेस में, जो कि मेन सिटी में है। यह है लेक पिचौला। इसका टिकट है 30 रुपीज़ नॉर्मल टिकट बाहर का, और अंदर का म्यूज़ियम का टिकट है 300 रुपीज़ पर हेड। ये पूरा म्यूज़ियम बना हुआ है। यहाँ राजा फतेह सिंह रहते थे, जिन्होंने लेक फतेह सागर बनवाई। यहाँ पर आप गाइड करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से सब कुछ समझा पाएंगे, तो गाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ये है लेक पिचौला, जो कि फर्स्ट जो यहाँ के राजा थे उनने बनवाई थी। इसको लेक पिचौला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जस्ट पीछे बनी हुई है इनके महल से या पैलेस से, इसलिए इसको लेक पिचौला बोलते हैं। ये भी मेजर अट्रैक्शन है उदयपुर का, डेट्स वाई उदयपुर इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स। ये पूरे हायरार्की बनी हुई है यहाँ राजा की। यहाँ पर ये लोग म्यूज़ियम में जाने का टिकट चेक कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ द एंट्री टू म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम की एंट्री है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा रश था इसलिए मैं ज़्यादा तो कैप्चर नहीं कर पाई अंदर। सब कुछ है यहाँ पर राजा का, जो भी म्यूज़ियम में होता है, उनके कपड़े, उनके अस्त्र, उनके शस्त्र, उनके सारे टूल्स, रानियों के टूल्स, उनके बारे में सब कुछ लिख रखा है। ये पिंजरे हैं कि वो अपने बर्ड्स को कैसे केज में बंद करके रखते थे। उनकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, जो कुछ भी म्यूज़ियम्स में हम देखते थे। अलग अलग फ्लोर से अलग अलग बहुत सारी विंडोज़ बनी हुई हैं, जहाँ से पूरा का पूरा उदयपुर सिटी दिखता है। ये मेजर अट्रैक्शन है। वापस आने पर ये है लेक पिचौला का दूसरा पार्ट। फिर ये बाहर आ गए हम लोग, और यहाँ से हम लोग सीधे के सीधे ऑटो करके गए लेक पिचौला की एंट्रेंस, जो कि एंट्रेंस यहाँ से 3 किलोमीटर्स दूर है, जहाँ पर वोट राइड होती है। ये है, यहाँ पर हमने ऊँट राइड लिया। ऊँट पर हम लोगों ने राइड किया, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ये फ़ोटो मैंने इंसर्ट की हुई है, बहुत अच्छा लगा। ये करणी माता टेम्पल की एंट्रेंस तक लेकर जाता है हमको, फिर वहाँ से रोप वे से हमको करणी माता टेम्पल जाना होता है। ये हम लोगों ने 30 सीटर वाले में बोट राइड लिया लेक पिचौला में, जिसका टिकट है 160 रुपीज़। 10 सीटर वाले का है 300 रुपीज़, और नॉर्मल वाले का है, जिसमें सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं, 4 सीटर का है, उसका है 600 रुपीज़। ये 30 सीटर था, क्योंकि उस टाइम 30 सीटर ही अवेलेबल था, वो सारे VIP बुकिंग में होते हैं। फिर ऑटो से हम लोग गए लेक फतेह सागर, क्योंकि मीठी ने बहुत ज़्यादा इरीटेट कर दिया था, पैलेस में इतनी भीड़ थी, इसलिए हम लोग आए यहाँ पर एक्वेरियम, सन एक्वेरियम, अंडर वाटर सन एक्वेरियम। यह बहुत अमेजिंग था, मतलब इसको बहुत लोग छोड़ देते हैं, पर हम इसलिए आए क्योंकि हमारी बेटी को बहुत इंटरेस्ट है फिश में। यहाँ पर सारी वैरायटी ऑफ फिशेज हैं। ये इंडियाज़ लार्जेस्ट फिश एक्वेरियम है, जो कि अंडर ग्राउंड में बनाया गया है, बहुत अच्छा है। ये देखिए कितनी सारी टाइप्स की फिशेज है यहाँ पर। मीठी ने यहाँ पर लिटरली बहुत 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 इंजॉय करा। इसकी टिकट है अराउंड 200 रुपीज़, और इसमें अंदर जाके फिर बहुत सारे चार्जेस हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं डे वन में। हमने क्या क्या किया, लेक पिचौला किया, फिर लेक फतेह सागर पर ये किया, और फिर लेक पिचौला पर ही हमने कैमल राइड किया, सिटी पैलेस को कवर किया, करणी माता टेम्पल को रोप वे से कवर किया, लेकिन वहाँ पर शूट कर ही नहीं पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर शूट करने जैसा कुछ भी नहीं था, और 2 आवर्स की वेटिंग थी वहाँ पर। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज हैं, जो कि आप ज़रूर जाएँ इनको देखने के लिए। ये देखिए सारा कुछ, इसके नीचे ना स्क्रीन लगी हुई है कि वेयर दे हैव फाउंड, हाउ मच दे विल लिव लॉन्ग, इनकी एज कितनी रहेगी, ये कहाँ पाई जाती हैं अमेजॉन रिवर में, और ये सारी चीज़ें, इनकी सारी की डिटेल्स है। ये बहुत लंबा है, कम से कम यहाँ पर 200+ एक्वेरियम है, और एक्वेरियम का साइज़ भी बहुत बड़ा बड़ा है। ये देखिए आप, एक एक्वेरियम के अंदर इतनी सारी सारी फिशेज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, एक बार ज़रूर जाएं। इसको अंदर जाते ही ना, ये 3D वर्ल्ड में, ये गेम जोन टाइप का है, यहाँ पर 3D वर्ल्ड में ले जाते हैं, जिसके चार्जेस 400 अराउंड हैं। यहाँ पर स्पा भी है, फुल बॉडी मसाज भी है अंदर, और ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड ने करवाया हुआ था फुल बॉडी मसाज, क्योंकि मीठी को गोदी ले लेकर इतना थक गए थे कि मसाज इज मच नीडेड। देन उसके बाद यहाँ पर वो वाटर थेरेपी है, जो लैग स्पा करती है ना फिशेस, वो है। बाहर आके इसमें एक रेस्टोरेंट भी है, नहीं अंदर आके बाहर का सब्सक्राइब द चैनल, डेट नोटिफिकेशन जल्दी आएगी, मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊंगी। टिल देन बाय बाय।